कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। या तो बन जाएंगे या तो बिगड़ जाएंगे, परवाह नहीं, लोग कितनी दफा गिराएंगे। निकले हैं घर से तो लौट कर नहीं जाएंगे, मंजिल मुश्किल है मगर जीत के आएंगे। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। चार दिन है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ में ये बांध ले। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग खरीद ही लेते हैं। बुराइयां भी हैं मुझ में और अच्छाइयां भी हैं, ढूंढने वाले तुम सोचो, तुझे क्या देखना है मुझ में। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। अभिमान कहता है कि किसी की जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। दो कदम आगे बढ़कर तो देख, मंजिल साफ नजर आएगी। थोड़ी मेहनत करके तो देख, सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बने, विश्वास रखें परिश्रम का फल सफलता ही है। कठिनाई तो आएगी, मंजिल की यह फितरत है, इससे लड़ेगा वही शख्स जिसके अंदर लगन और हिम्मत है। ज्ञान किसी भी दौलत या समृद्धि को बढ़ा सकता है। पूंजी अपने आप में बुरी नहीं है, उसके गलत उपयोग में ही बुराई है। किसी न किसी रूप में पूंजी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। अपनी बात के धनी लोगों के निश्चय मन को और नीचे गिरते हुए पानी के वेग को भला कौन फेर सकता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर जल से साफ होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से तथा आत्मा धर्म से साफ होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। सफल जीवन के लिए 5 महत्वपूर्ण गीता संदेश। पहला है मन पर नियंत्रण, दूसरा है स्वयं का आकलन, तीसरा है क्रोध पर काबू रखें, चौथा है फल की इच्छा भूल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, पांचवा है स्पष्ट नजरिया रखना चाहिए। चरित्र के विकास से बुद्धि का विकास तो हो ही जाएगा, लोगों पर छाप तो हमारे चरित्र की ही पड़ती है। किताबें वह साधन हैं जिसके द्वारा हम भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बीच सेतु का निर्माण कर सकते हैं। न भूत की सोचो न भविष्य की चिंता करो, अपने दिमाग को वर्तमान में एकाग्र करो। सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है लेकिन आहार सांप का है। हम जिस चरित्र का निर्माण करते हैं वह हमारे साथ भविष्य में भी रहेगा, जब तक कि हम ईश्वर का साक्षात्कार कर उसमें लीन न हो जाएं। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं।
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है।